नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट और पिछले 13 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन 13 सालों में हमने बहुत सारे अलग अलग बीमारियों पर काम किया है और बहुत सारी बीमारियों के ठीक किया है। न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले बीमारी को ठीक करते समय या उसका उपचार करते समय बॉडी के नेचर को समझा जाता है कि जो पेशेंट या रोगी हमारे पास आया है उसकी बॉडी का नेचर कैसा है। उसकी बॉडी का नेचर एसिडिक है या अल्कलाइन है। अगर उसकी बॉडी का नेचर एसिडिक है तो उसको एसिड वाले सिम्टम्स होते हैं और उसको जो बीमारियां होंगी वो एसिडिक की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर उसकी बॉडी का अल्कलाइन लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको अल्कलाइन वाले सिम्टम्स होंगे और अल्कलाइन वाली ही बीमारियां होंगी। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, जब आप मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी को गूगल पर डालेंगे और उसके नेचर को पता करेंगे तो नेचर आपको गूगल आपको बताएगा कि वह बीमारी एसिड के बढ़ने की वजह से आई है या अल्कलाइन के बढ़ने की वजह से आई है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आपको हाइपोथायराइड हो और हाइपोथायराइड का आप नेचर देखेंगे तो गूगल ये बताएगा आपको कि दिस इज एसिडोसिस डिजीज, यानी कि ये बीमारी एसिड के बढ़ने की वजह से आती है। दूसरी तरफ जब हम हाइपरथायराइड अगर गूगल पर डालते हैं तो वो आपको बताएगा दिस इज अल्कलोसिस डिजीज, यानी कि शरीर का नेचर जब अल्कलाइन नेचर में चला जाता है, अल्कलाइन लेवल बढ़ जाता है तो वो हाइपर थायराइड की डिजीज आ सकती है। तो हर एक बीमारी को ठीक करने से पहले, उसका उपचार करने से पहले हमें बॉडी के नेचर को समझना चाहिए। और मैं आपको दो टेक्निक बताऊंगा कि आप अपना या दूसरे का भी बॉडी नेचर चेक कर सकते हैं। और मेरी पिछली वीडियोज में या आने वाली वीडियोज में इस एसिड और अल्कलाइन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसका क्या उपचार है, ये मैंने पहले भी सिखाया है और आगे भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम बॉडी का एसिड और अल्कलाइन लेवल कैसे चेक करते हैं कि आपकी बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है। सबसे पहले आपके दो हाथ है और हमने देखा है कि न्यूरोथेरेपी कहती है कि आपकी जो लेफ्ट हाफ बॉडी है, यानी कि आधा शरीर आपका जो दाएं तरफ बाएं तरफ का है यानी कि लेफ्ट साइड का है वो आपका एसिडिक है और राइट साइड का जो शरीर है वो आपका अल्कलाइन है। तो दोनों हाथों के रिंग फिंगर को, जिसमें हम रिंग पहनते हैं, उन दोनों हाथों के रिंग फिंगर के बीच वाले जॉइंट को हम प्रेशर देकर दबाते हैं और समान इतने ही प्रेशर से हम राइट वाली फिंगर को पेन कर दबाएंगे। जब आप दोनों को प्रेशर समान प्रेशर से दबाएंगे तो आपकी अगर लेफ्ट में पेन आपको ज्यादा महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपका एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। अगर आपके राइट वाले जॉइंट में पेन है दबाने पे तो आपका अल्कलाइन लेवल बढ़ा हुआ है। ध्यान से सुनिए कि आप दोनों को समान प्रेशर से दबाएंगे, दोनों को ही रिंग फिंगर पर दबाएंगे और दोनों उंगलियों के बीच वाले जॉइंट पर ही प्रेस करेंगे तो आपको डायग्नोस में हेल्प मिलेगी। दोनों में से अगर आपने कुछ भी ध्यान नहीं रखा तो आपका सही डायग्नोस नहीं होगा। तो पहले लेफ्ट हाथ के लेफ्ट रिंग फिंगर के बीच वाले जॉइंट को, राइट हैंड के रिंग फिंगर को बीच वाले जॉइंट को समान प्रेशर से दबाने पर जिस उंगली में पेन होगा यानी कि वो आपका बॉडी नेचर होगा। दूसरा एक और तरीका है कि आप अपने हाथ को इस तरीके से रख लीजिए, यानी कि अपने रिब्स पर इस तरीके से अंगूठे को रखिए और धीरे धीरे खिसकाते हुए आप लेकर आइए। आप यहाँ रखेंगे तो आपको अंगूठे के पीछे हड्डियां नजर आएंगी जिनको हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम पसलियां बोलते हैं। यह पसलियां आपको नजर आएंगी और इन पसलियों को आप दबाएंगे तो इनमें कोई भी अंगूठा आपका अंदर नहीं जाएगा। और जैसे इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और जैसे ये रिब्स यहाँ खत्म होंगे, यहां से आपको गड्ढे नजर आएंगे दो और ये अंगूठा आसानी से अंदर जाएगा आपका। तो आप दोनों अंगूठे को अंदर लेके जाइए, इसको और इसको थोड़ा प्रेस करिए, समान प्रेशर से आप प्रेस करिए। अगर आपके राइट लेफ्ट वाले अंगूठे के दबाने पे अंदर पेन आपको महसूस होता है तो इसका मतलब है कि ये आपका एसिड नेचर है, और अगर राइट के दबाने पे यहाँ पेन ज्यादा महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का नेचर अल्कलाइन है। तो दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी बॉडी का नेचर पता कर सकते हैं या दूसरे का भी पता कर सकते हैं, जिसको न्यूरोथेरेपी में हम लोग इसको फोर्थ फिंगर पेन के ग्रुप में डायग्नोस करते हैं कि लेफ्ट में पेन है या राइट में पेन है, और इसको हम लिवर जीरो और म्यूकस जीरो के नाम से हम लोग न्यूरोथेरेपी में इसकी पहचान करते हैं। जो लिवर जीरो है वो राइट किडनी के लिए बताता है
और मेकर जीरो आपकी लेफ्ट किडनी को बताता है, यानी कि अगर आपकी लेफ्ट किडनी में पेन है तो यानी कि अंगूठे के दबाने पे यहाँ पेन आपको महसूस हो रहा है। कंपैरिजन दोनों में करना है कि आपको दोनों के कंपैरिजन में से किस तरफ पेन ज्यादा है वो आपका नेचर बताएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बॉडी का नेचर, किसी दूसरे की बॉडी का नेचर इसको चेक कर सकते हैं। और आप गूगल पे डालिए कि कौन कौन सी डिजीज अल्कलाइन की होती है, कौन कौन सी बीमारियां एसिडोसिस की होती हैं, तो गूगल आपको लिस्ट दे देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आप लिखते हैं गूगल पे, लिखेंगे डिजीज ऑफ एल्कलोसिस या डिजीज ऑफ एसिडोसिस, तो इसके बाद में गूगल आपको लिस्ट देगा। वो लिस्ट और वो सिम्टम्स आप अपने साथ कंपैरिजन करिए कि क्या वो सिम्टम्स या वो डिजीज आपके साथ है, तो आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी का नेचर भी उधर जा रहा है जिधर वो बीमारियां आ रही हैं। तो इस आधार पर न्यूरोथेरेपी डायग्नोस करती है। और मैं जो कहता हूं कि न्यूरोथेरेपी सिम्टम्स पे काम नहीं करती है, वो सिस्टम को ठीक करती है, इसी आधार को लेकर हम सिस्टम को ठीक करते हैं और बीमारी के रूट कॉज को पकड़ते हैं और बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपको अपनी बॉडी का नेचर या दूसरे की बॉडी का नेचर कैसे पता करें, उसकी बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। और ये बीमारी का मेन कॉज है जो न्यूरोथेरेपी का मुख्य आधार है। तो इससे आपको अपनी बॉडी और दूसरे की बॉडी का नेचर आप पता कर सकते हैं। और आगे वाली वीडियोस में मैं आपको इसको कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे इसका उपचार करेंगे, ये आपको सिखाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, अगर आपको लेफ्ट में पेन है तो आपकी बॉडी एसिडिक है, अगर राइट में पेन है तो अल्कलाइन है, किसी में भी पेन नहीं है तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, और अगर दोनों में पेन है तो आपकी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन दोनों की बीमारियां होंगी। जैसे डायबिटीज एक एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, हाई बीपी एक अल्कलोसिस की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं या होते हैं जिनको हाई बीपी और डायबिटीज दोनों ही बीमारियां होती हैं। तो ये बॉडी का नेचर के हिसाब से आपकी बीमारी कौन सी है ये हमें पता लगेगा और न्यूरोथेरेपी इस पर काम करती है। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बता सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल बटन जरूर दबाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा होगा और पिछली वीडियोस में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।